मध्य प्रदेश के खंडवा में आबकारी विभाग ने आदेश जारी किया है कि वैक्सीन दो डोज लगे ग्राहक को ही जिले भर की शराब दुकानों पर बेची जाएगी। ग्राहक को सर्टिफिकेट दिखाना भी जरूरी नहीं होगा, बस हाँ कहने पर शराब दे दी जाएगी। आदेश के पीछे जिला आबकारी अधिकारी का तर्क है कि शराब पीने वाले कभी झूठ नहीं बोलते, 25 साल की नौकरी का तजुर्बा है। हो सकता है बार बार टोकने पर ग्राहक को शर्म आ जाए और वैक्सीन लगवा ले। खंडवा जिले में लगभग 55 देसी व 19 विदेशी शराब की दुकान है। सभी दुकानों का संचालन एकमात्र सेवियर कंपनी ट्रेडर्स करती है। 16 नवंबर को जिला आबकारी अधिकारी राम प्रकाश किरार ने ठेकेदार आशीष शुक्ला को आदेश पत्र जारी कर अवगत कराया कि वैक्सीन के दोनों डोज लगे ग्राहक को ही शराब की बिक्री की जाए। बिल नहीं देते हैं तो मैंने नंबर दे रखा है, मैंने पहले प्रेस नोट किया था। सबसे पहले मेरा नंबर, सबसे पहले वहाँ का सर्किल दरोगा का, फिर एडीओ का, उसके बाद मेरा नीचे है। और हमने अभी दो जगह कार्रवाई भी की है और कलेक्टर साहब के पास फाइल पड़ी है। बूंदी दुकान 23 तारीख को बंद होगी, ये मैं अभी पहले से बता दूँ आपको। जो है कि वैक्सीनेशन अधिक से अधिक हों, दोनों डोज लगे जनता के लिए ठीक है, तो वो सबको दिया है। कोई आबकारी विभाग को नहीं, सभी विभाग में जो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ होता है उनके सबके दिया है। कोड में भी दिया है, हमारे विभाग में दिया, दूसरे में भी है कि दोनों डोज लगे उसी को दिया जाए। दोनों डोज लगने वाले व्यक्ति को ही हम दारू बिक्री के आदेश प्रशासन ने हमको दिए थे कलेक्टर साहब ने, तो हमने उसका आदेश निकाल दिया है कि किसी। खंडवा से राम पवार नायक की रिपोर्ट।